बच्चों, आज हम लोग कक्षा चार रेनबो का लेसन फाइव पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ हैप्पी चाइल्ड। हैप्पी का मतलब होता है बच्चों खुश या प्रसन्न, और चाइल्ड का मतलब बच्चा। तो ये एक खुश या प्रसन्न बच्चे की पोएम है, और इस पोएम को पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद इसका हिंदी में अर्थ और इसका मतलब निकालना जानेंगे। इस पोएम को लिखा है केट ग्रीनवे ने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम को पढ़ना सीखते हैं। माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई। आई लाफ एंड प्ले एंड लाइव लॉन्ग डे, आई हार्डली एवर क्राई। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम को पढ़ना हम लोगों ने सीख लिया, और अब हम लोग इसका हिंदी में अर्थ निकालना सीखेंगे। माई हाउस इज रेड। माई का मतलब होता है बच्चों मेरा, हाउस का मतलब होता है घर, इज रेड, रेड का मतलब लाल। अ लिटिल हाउस, लिटिल का मतलब छोटा और हाउस का मतलब घर, यानी कि माई हाउस इज रेड, माई मतलब मेरा घर लाल है। अ लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर, यानी कि मेरा एक छोटा सा घर है जो कि कैसा है, किस रंग का है, लाल है। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, चाइल्ड का मतलब बच्चा, एम आई मतलब मैं हूं, मैं एक प्रसन्न बच्चा हूं, यानी कि मैं हमेशा खुश रहने वाला एक बच्चा हूं। आई लाफ एंड प्ले एंड लाइव लॉन्ग डे, लाफ का मतलब होता है हंसना, एंड प्ले का मतलब होता है खेलना, एंड लाइव लॉन्ग डे पूरे दिन, लॉन्ग डे यानी कि पूरे दिन, यानी कि मैं लाफ एंड प्ले, मैं पूरे दिन हंसता खेलता रहता हूं। आई हार्डली एवर क्राई, हार्डली का मतलब बिल्कुल कम, एवर का मतलब कभी, यानी कि मैं कभी भी बहुत कम रोता हूं, यानी कि मैं बहुत कम रोता हूं और मैं पूरे दिन हंसता खेलता रहता हूं। आई हैव अ ट्री, आई हैव का मतलब मेरे पास है और ट्री का मतलब पेड़, यानी मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, ग्रीन का मतलब हरा होता है, तो ग्रीन ट्री यानी कि मेरे पास एक हरा हरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, शेड का मतलब होता है छाया, टू शेड का मतलब छाया प्रदान करना, फ्रॉम द सन, सन का मतलब सूरज या सूरज की रोशनी को भी सन कहते हैं, तो सूर्य की रोशनी से बचने के लिए मेरे पास एक हरा हरा पेड़ है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, ऑफन का मतलब अक्सर और अंडर का मतलब नीचे, मैं इसके नीचे अक्सर बैठता हूं। When all my work is done, when मतलब जब, all my work यानी कि मेरा सभी कार्य is done, पूरा हो जाता है, यानी कि जब मेरा सभी कार्य पूरा हो जाता है तो मैं इसके नीचे अक्सर बैठता हूं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको पसंद आई। पोएम पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस पोएम को अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करें। चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। आगे के चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।